हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेक्टर 45 में जो 5-6 सोसाइटी फ्लैट हैं उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया था, बट लेकिन हमारी आपकी ये बात नहीं हुई थी कि ये सोसाइटी फ्लैट कैसे होते हैं। सोसाइटी फ्लैट CGS सोसाइटी बोलते हैं उसको। ये गवर्नमेंट से जमीन मिलती है, तो मैं आपको जितना मेरे को थोड़ा सा आइडिया है मैं आपको वो बता पाऊंगा। ज़्यादा तो हो सकता है कि मेरे को आइडिया ना हो, पर मैं वो जितना मेरा आइडिया है मैं उतना बताता हूँ आपको। सोसाइटी होती क्या है? सोसाइटी होती हैं कि मान लीजिए हम एक हमारा एक ग्रुप है कोई, मान लीजिए उस ग्रुप में हम कोई 25, 30, 40, 50 बंदे हमने ग्रुप बनाया हुआ है। तो जो ग्रुप बना करके हम उसके अंदर एक सोसाइटी बनाते हैं, वो सोसाइटी रजिस्टर्ड करानी पड़ती है। जैसे गुड़गांव के अंदर भी ऑफिस है सोसाइटी का, सेक्टर 14 में ऑफिस है, वहाँ पर जा करके हम उसको सोसाइटी को रजिस्टर्ड करा लेते हैं। उसको RW भी बोल सकते हो और सोसाइटी भी बोल सकते हो उसको। तो हमने एक बार वो बना ली, बनाने के बाद हम गवर्नमेंट के पास जाते हैं, ये हम 40-50 बंदे हैं और हमारे पास घर नहीं है, या फिर हम मिल करके अपने लिए एक आशियाना बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप गवर्नमेंट को अप्लाई करते हो। आपने गवर्नमेंट को अप्लाई किया सोसाइटी के लिए, उसके बाद गवर्नमेंट यानी कि हुड्डा जिसकी हम बात करते हैं, हुड्डा टाउन प्लानर भी होता है, तो उसके अंदर में गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन को देखती हैं कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे है या नहीं है। उसके बाद टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के पास कुछ जो प्रॉपर्टियाँ पड़ी होती हैं उस पर वो ऑक्शन करती है, तो उसमें भी बंदे पार्टिसिपेट होते हैं। तो पार्टिसिपेट होकर के वो ज़मीन को देख लेते हैं, कौन सी ज़मीन है, कहाँ पर है, हमें चलती है या नहीं चलती है। तो ज़मीन को गवर्नमेंट से ऑक्शन में उसको प्रॉपर्टी को ले ली जाती है। उसको लेने के बाद जब उनको ज़मीन मिल जाती है तो गवर्नमेंट उनको देती है, कहते हैं आप हमें ये ज़मीन की पेमेंट है, आप ये इतनी पेमेंट हमें कर दो और उसके लिए इतना टाइम दिया जाता है और ऐसी पोजीशन दी जाती है। तो इस तरह से ये ग्रुप को एक आपको ज़मीन मिल जाती है। मान लीजिए आपको उसमें एक आधा एकड़ का टुकड़ा मिल गया या 1 एकड़ का आपको मिल गया प्लॉट आपको, तो उस प्लॉट के ऊपर में गवर्नमेंट एक FAR देती है कि आपको पास इतना FAR है, आप इस FAR में आप इतने फ्लैट बना सकते हो। तो लेकिन ये गवर्नमेंट इसके अंदर ये बोलती है कि आप जो सोसाइटी को हमने ज़मीन दी है इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब कि ज़मीन की कीमत और कंस्ट्रक्शन की कीमत इसी में जो मेंबर्स बनते हैं उन मेंबर को प्रॉपर्टी दी जाती है। तो उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाले इनको बोलते हैं कि नो प्रॉफिट नो नुकसान, तो इस तरह से इनको बोलते हैं। तो ये सोसाइटी इस तरह से चलती हैं। इसमें प्रेजिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, तहसीलदार होता है, वाइस प्रेजिडेंट होता है और उसके अलावा 3-4 मेंबर और हो सकते हैं। और जिनकी जब गवर्नमेंट ज़मीन दे देती है उसके बाद उसका एक AR ऑफिस है जो भी गुड़गांव में है सिविल लाइन के आसपास है, तो वहाँ से इसको गवर्नमेंट इनको देखती रहती है कि भाई कैसे करना है, इसका ऑडिट करती रहती है कि सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ठीक बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं। और इसके लिए जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी एक बार कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद वहाँ पे जमा कराना पड़ता है कि हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये है, तो उसके टोटल अमाउंट आ जाता है, ज़मीन का अमाउंट और कंस्ट्रक्शन का अमाउंट, तो दोनों के अमाउंट को मिला करके उसका एक प्राइस आ जाता है। उस प्राइस में सोसाइटी बनानी पड़ती है। मान लीजिए कल को प्राइस बढ़ जाता है तो ठीक है, वो प्राइस उस पर डाल दिया जाता है सोसाइटी के ऊपर, जो मेंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, मीटिंग्स होती हैं। तो इस तरह से ये इस तरह की सोसाइटी होती है, इसमें कोई बिल्डर इन्वॉल्व नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है कि ये सोसाइटी गवर्नमेंट की तरफ से होती है और इसका ड्रॉ भी गवर्नमेंट कराती है। कल कीजिए मान लीजिए इसकी पोजीशन मिल जाती है, बनने का पोजीशन मिल जाती है तो इसका ड्रॉ होता है बाकायदा, गवर्नमेंट इसका ड्रॉ कराती है किसका कौन सा फ्लैट निकलेगा, तो वो फ्लैट उसको मिल जाता है। उसके बाद जब गवर्नमेंट की पेमेंट पूरी हो जाती है प्लॉट की, तब गवर्नमेंट आपके नाम सोसाइटी के नाम वो रजिस्ट्री कर देती है और सोसाइटी जो मेंबर्स होते हैं उनके नाम से रजिस्ट्री कर देती है। तो ये सोसाइटी का प्रॉपर सिस्टम होता है। तो मैंने आपको बताया, और जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ आपके साथ में कि जो भी प्रॉपर्टी आपको सेल परचेज करनी है वो जाइए इंडिया प्रॉपर्टी देखो पे, जिसमें आपको 10 लिस्टिंग फ्री तो मिलती ही है। ठीक है, थैंक यू, ओके।